तब मैंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड हैं, और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशाल काय पत्थर को कोई भी वृक्ष उसे रोक ना सका। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने दो सूंड वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा की सभी तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा।
और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।